बना रहे हैं जिनेश कुकिंग क्लासेस में ब्राउनी। रक्षाबंधन स्पेशल हैम्पर्स के लिए हम लोग आपके लिए लेके आए हैं ब्राउनी स्पेशल रेसिपी। ये रेसिपी जिसमें हम लोग यहाँ पर 6 फ्लेवर्स आपको बताने वाले हैं और एक ही रेसिपी में अलग अलग फ्लेवर्स किस तरह से बनाना है वो मैं आपको सिखाऊंगी। तो चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं दिस यूनिक फ्लेवर एंड टेस्टी एंड अमेजिंग ब्राउनी के लिए। और ये रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और आपको कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताना। चलो रेसिपी को शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग इसमें डालेंगे डार्क चॉकलेट, जो डालना है 60 ग्राम। देन इसके बाद में इसमें जाएगा बटर, रूम टेम्परेचर बटर हम लोगों को लेना है। यहाँ पर ये जाएगा इसमें 55 ग्राम। ये दोनों को हम लोग एक साथ मेल्ट कर लेंगे माइक्रोवेव में 30 सेकेंड्स के लिए। हम लोगों को इसको मेल्ट करना है और इस तरह से इसको मिक्स करना है। आप चाहो तो विस्कर का भी यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छे से मिक्स हो गया। देन इसके बाद में इसमें 75 ग्राम हम लोग इसमें डाल देंगे कंडेंस मिल्क। देन इसी के साथ हम लोगों को 35 ग्राम इसमें ऐड करना है शुगर। ये सभी चीजों को हम लोगों को काफी अच्छे से मिक्स कर लेना है। देन अब इसके बाद में इसमें जाएगा चॉकलेट पाउडर, कोको पाउडर हम लोग यहां पर डालेंगे। ये डालना है 10 ग्राम जितना और अगेन इसको काफी अच्छे से मिक्स करना है। अब इसके बाद में मैं इसमें ऐड करूंगी मैदा 50 ग्राम। देन अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून जितना। अब इसके साथ यहां पर मैंने 40 ग्राम जितना पानी लिया है 40 ml, और ये थोड़ा सा वार्म है मतलब गुनगुना पानी हम लोगों को लेना है। इसके अंदर मैं जस्ट 1/4 टीस्पून जितना कॉफी या फिर 1/2 टीस्पून जितना भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, इस तरह से मिक्स कर देंगे जिससे कि इसमें काफ़ी अच्छा फ्लेवर एनहांस हो जाएगा। और ये वॉर्म वाटर हम लोगों को इसमें ऐड कर देना है। देन अगेन मिक्स प्रॉपरली। ऐसे बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। ये जैसे बहुत अच्छे से मिक्स हो गया, देखो हमारा बैटर कितना मस्त यहाँ पर बना है। अब हल्का सा इसके अंदर हम लोग वॉलनट डाल देंगे जस्ट 1 टेबलस्पून जितना। थोड़ा सा आप चाहो तो चोको चिप्स भी डाल सकते हो, वो भी 1 टेबलस्पून। अगेन मिक्स। देन इसके बाद में यहाँ पर हम लोगों को इस तरह से एक पैन लेना है। जो टिन हम लोग लेंगे उसमें बेकिंग पेपर मैंने यहाँ पर लगाया है, आप पार्चमेंट पेपर भी लगा सकते हो। और देन हमारा बैटर इसमें पोर कर देंगे। 6 ब्राउनी इसमें हमारी बनेगी। ऐसा करके दिखाओ, हम लोग इसको टैप कर देंगे। देन इसके बाद में हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा चोको चिप्स ऐड कर देंगे। ऑप्शनल है, आपको डालना है डालो, अदरवाइज स्किप कर सकते हो। देन वॉलनट्स डाल देंगे। देन ये यहाँ पर हो गया। अब इसे 20 मिनट्स के लिए हम लोग OTG में बेक करेंगे 180 पर प्री हीट किए हुए अवन में। 10 मिनट्स पहले 180 पर इसको प्री हीट करना है और देन 20 मिनट्स के लिए हम लोग ब्राउनी को बेक करेंगे। हुँ.
आफ्टर 20 मिनट्स हमारा ब्राउनी यहाँ पर इस तरह से बेक हो चुका है। बहुत ही डिलीशियस एंड टेस्टी क्रिंकली हमारी ब्राउनी जो है यहाँ पर रेडी है। अब हम लोग इसको डेकोरेट करेंगे। सबसे फर्स्ट मैं यहाँ पर इस तरह से चॉकलेट गनाश से ड्रिजल कर लूँगी। चॉकलेट गनाश से यहाँ पर एक स्क्वायर कर लिया। देन इसके अंदर हम लोग बिस्कॉफ फिल करेंगे। ये बिस्कॉफ ब्राउनी इस तरह से हाफ बिस्किट यहाँ लगा दिया। देन इसके बाद में हम लोग यहाँ पर करेंगे ये नटेला फिल ब्राउन। वन मोर हम लोग चॉकलेट गनाश एंड हेजलनट और फरेरो रोचर के साथ इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। फर्स्ट वाला जो ब्राउनी है उसके ऊपर हम लोग इस तरह से चोको चिप्स ऐड कर देंगे। यहाँ हम लोग रोचर के साथ इसको डेकोरेट करेंगे। नटेला विथ लव और दो हम लोग इस तरह से प्लेन रखेंगे। वन मोर स्टाइल से हम लोग यहाँ पर और एक स्टाइल में नटेला थोड़ा सा इस तरह से काफी अच्छे से ड्रिजल कर देना है और देन इसके ऊपर आप ओरियो रख दो तो ये नटेला विथ ओरियो हो जाएगा। देन अब हम लोग यहाँ पर प्लेटिंग करेंगे। फर्स्ट हमारा ओरियो ब्राउनी, सेकेंड यहाँ पे ये देख रहे हो आप लोग नटेला ब्राउनी, चोको चिप्स, बिस्कॉफ फरेरो रोचर और ये अलवेज फेवरेट एंड सुपर ब्राउन। ये देख रहे हो आप लोग इसमें हम लोगों ने वेरिएशंस ऑफ फ्लेवर्स भी बनाए हैं और बहुत सिंपल इजीएस्ट रेसिपी आपके रक्षाबंधन हैम्पर्स के लिए रेडी है। सी बहुत ही टेस्टी एंड डिलीशियस। लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो जिनेश कुकिंग क्लासेस। थैंक यू।